वेलकम बैक प्रोग्राम आय सेहत जराज डॉक्टर सारा बानुजी साथ पांजा मेहमान ही छे डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब आय सर्जन केर नथो जाने माशाल्लाह ने बहु वडी गाल करी आवे इन जी फाउंडेशन है जिन में लेसिक करी दिया इन ने अपील है असा जी भी जे इनके डोनेट करो इन जी फाउंडेशन के डोनेट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा पांजा यंगस्टर्स जो इन जी अखे में मसलो है पा बचाए सको। डॉक्टर साहब आई लेसिक करो ता माशाल्लाह लेसिक जिनके आए चो कॉस्मेटिक सर्जरी दुनिया में है लेकिन आए पाजे डा जो कॉन्सेप्ट ना सिर्फ पाजे डा बल्कि वर्ल्ड वाइड ही कॉन्सेप्ट आई चेंज करी रहे हो डेट्स रियली अमेजिंग बहु जबरदस्त गाल है बता दिया। अभी बता रहा लेसिक थे तो कि करो इन जो प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट छेड़ो जो है तो जो कैटरेक्ट जो है तो लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू या इनको कोई प्रिवेंशन्स भी हूं या कुछ इत्यादि तदाबीर पहला भी हूं बाद में भी हूं। लेसिक जो है ना ये बहुत आसान प्रोसीजर है मतलब जैसे आप ज्वाइन स्टार्ट कर ही रहे हो तो मारो चुनो यार इसमें क्या है ये तो कुछ भी नहीं है बट इट्स कुछ भी नहीं है ना ये बहुत डेंजरस ऑपरेशन है। डेंजरस ऑपरेशन ये है कि इफ़ यू डोंट नो इफ द सर्जन डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग तो ही डेंजरस है। डेंजरस इन लाइक करने के आए कि खबर न करी करो यार लेसिक में पा बेसिकली कारी पुतली जो है ना उन शेप के पा चेंज करूँ था मुझे शेप के चेंज करी ने जो तस्वीर पाजी अग जे पर्दे ते बननी खपे ये जिन जो माइनस नंबर हूं था तस्वीर अग्या बने थी ने जिन जो प्लस नंबर हूं था इन तस्वीर वासे बने थी तो यही जे कोन्या के अड़ी तो शेप चेंज करूँ था कि तस्वीर अग्या बनी थी या इन पर्दे के मथे बने या वासे बनी ये पर्दे मथे बने तो उन हाँ इन सिर्फ इन शेप के चेंज करनो है इन जो कोर्निया की कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी जो इनके पाए चेंज करनो है तो चेंज करी ने पा शेप के चेंज करी ने पा नंबर के खत्म करी दू था। अच्छा हाँ मसलो ये है कि अगर ई केतरो करनो है ये इनकी टोपोग्राफी बतानी टोपोग्राफी के रीड करनो इज एन आर्ट तो असल प्रॉब्लम अडा है कि आई अगर टोपोग्राफी ना ही करी है अडा जो शुरू में पाकिस्तान में जैसे कंसेप्ट शुरू थी लेसिक जो तो कराची में घना डॉक्टर विदाउट टोपोग्राफी भी करना हुआ था पची इन बार कैंपेन हलो कि विदाउट टोपोग्राफी करनो जुर्म है तो रोका भी हाँ पा टोपो तो टोपोग्राफी अगर रीड करने डॉक्टर के ना अचनो या सही रीड ना थो तो आई के पे वजह थी नज़र में फर्क पड़ सके तो बट अगर टोपोग्राफी सही है रीड सही कर लो है मशीन सही है तो कोई प्रॉब्लम ना आई तकरीबन 11 नंबर तक चश्मे नंबर हटी सकन था। ये बहुत सारो प्रोसीजर है इनमें जो कोई साइड इफेक्ट सिर्फ एतरो जाए कि रात में आई के ग्लेयर दिखाए तो या ड्राइनेस थे थी ड्राइनेस जो है ये 2-3 महीने में ठीक थी उन्हें थी अने ये पेशेंट बहुत खुश हूं था क्योंकि इन जो चश्मो 2 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर जो भी आई खत्म थी उन्हें 0 ते अची उन्हें तो दे आर वेरी हैप्पी तो ये बहुत सारा प्रोसीजर है जी कोई आफ्टर उन्हें 2 दिन तक सचू तक आएंगे डी में 4 वक्त टीपा उदना है અને 4 ડોડી બાદી પેશન્ટ જે નોર્મલ લાઈફ તે છે અચ્છા ડોડી બાદી પછી ઓફિસ જોઈન કરી ઓફિસ તો નેક્સ્ટ ડે જોઈન કરી અસા ચૂતા કે 6 કલાક તક જ્યારે લેસિક થયો લેસિક કે બાદ આઈ 6 કલાક તક આ આખી બંધ રાખી અને સુતરોનું હે ઘરે અને 6 કલાક બાદ આયા જો બધું કામ કરી શકું જબરદસ્ત તો ઈ મતલબ નેક્સ્ટ ડે આઈ ઓફિસ જવાની છે જેડો કે અચ્છા પ્રોસીજર કેટલી વાર જો તો કેટરેક જો તો 15 મિનિટ મળતે જો ઈ ભી 15 મિનિટ ઈ નેક્સ્ટ મેક્સિમમ 2 મિનિટ હે ડિપેન્ડ અપોન ધ એક્સપર્ટીઝ ઓફ ધ ડોક્ટર બિલકુલ ઈ એક્સપર્ટીઝ બહુ જરૂરી હે अच्छा डॉक्टर साहब अल्लाह ना करे कोई एड़ा फ्लॉप भी थिन था इनमें केस या कोई फ्लॉप में डरो या कोई नेगेटिविटी है बिल्कुल नेगेटिविटी है क्योंकि अगर रीड नहीं करी सके सही तरह और सही तरह की प्रोसीजर नहीं करी है तो आई के लाइट जे ने जे हेलोज देखा है तो ग्लेयर वो दू देखा है तो ई आई के तकलीफ दे हो तो ई पेशेंट पछि खुश ना होना और ई पेशेंट पे नेगेटिव पब्लिसिटी करन ता कि भाई असा के एड़ी ते देखा है तो पण अगर आए प्रोसीजर सही तरह थी थो है तो ई चीज माइनर ही ना ने हाने जे न्यू टेक्नोलॉजीज जे आवी हुई जिनके असू तो कॉन्टूर विजन टोपो गाइडेड लेसिक ये टोपो गाइडेड लेसिक जो है टॉप ऑफ द लाइन है जिनमें असर ग्लेयर नहीं भी ओछो करी दूँ था पर इन की कॉस्ट असल में वही होने थी जो पेशेंट जो है अफोर्ड करें में अफोर्डेबिलिटी जो प्रॉब्लम अचे तो ओके हाँ तो बस एतरो हो ना जो कम अज कम उन जो मेजर प्रॉब्लम अची रही है टीन एज में अची ने आँख जो मसलो है नेड़ो है जो ना काबिले बर्दाश्त है जो गुजारो ही नहीं तो उन सूरत में तो मेरा ख्याल इनसे वधारे कोई बेहतरीन बेस्ट है ब्लेसिंग है ये पांजे लेकड़ी रिसर्च जो है ये भी एकड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता रहो जे इंटरव्यू से पहले पा गाल करी दिया जो करो अकड़ी को पहला प्लस में करो माइनस ये भी जरा असा के बता रहो आई करो सजेस्ट करी दिया मतलब
अगर लेसिक थी रही हो, लेसिक जी शायद गाल भी लेसिक जो है इनमें पा 40 इयर्स की एज तक पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी कि आए 40 वर्ष की उम्र तक जो मरीज जो ऑपरेशन करूँ था तो उनमें नज़दीक ये चश्मे की जरूरत नहीं होनी। ओके पर 40 वो मरीज जिनको 40 वर्ष की उम्र थी भी है तो उनके अने अगर उनको नंबर भी ना तो उनके नज़दीक में नंबर अचन था, ये नॉर्मल कुदरती प्रोसीजर है। तो अगर वो मरीज जिनको के पाँच 38-39 की उम्र आए इन्हें के पास लेसिक करी नहीं है तो दूर जो नंबर तो जीरो थी वनो। ओके पर शी दैट पर्सन विल नीड ग्लासेस एट द एज ऑफ 44 ईयर तो नजदीक में नहीं चश्मे की जरूरत होनी, वो कुदरती हुआ है। अच्छा उनमें पाई करी सकूं था कि अन्य अकड़ी अक के पास नजदीक लाइन ठीक करी दी, अकड़ी अक के दूर लाइन ठीक करी दी। ओके तो उनमें यह है कि वो चीज अकड़ी अक्ति दूर सही ना रहे तो अकड़ी नजदीक सही ना रहे तो करके कोई तकलीफ रहती नहीं। इनके 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 साइंटिफिक लैंग्वेज में चुनता मोनोविजन, क्या अकड़ी अक्ति दूर ना रही है अकड़ी अक्ति नजदीक ना रही है। ये भी बहुत कॉमन प्रोसीजर है, ऐसा करूँ था ये पेशेंट आर वेरी हैप्पी। अने अदरवाइज ये है कि आए अगर चश्मे नंबर बहुत वधा रहे हैं तो दूर जा नंबर जीरो कराएगा नो ने नज़दीक में अगर आएंगे चल। पर ये 40 वर्ष की उम्र जी 38-39 के बाद ही चीज नज़दीक नंबर की जरूरत पे थी। तो एनी बडी वो अंडर गोज लेसिक जब भी पाने मरीज लेसिक कराएं था तो वो 40 वर्ष की उम्र में नहीं कि नज़दीक के चश्मे की जरूरत पौनी पौनी। अच्छा तो हाँ वो कोई मरीज अड़ो है जिनकी उम्र 40 वर्ष की है तो उनके नज़दीक में तो चश्मे की जरूरत पौनी। डॉक्टर साहब बहुत सारी गल बता रही रहे पाके ने लेसिक प्रोसीजर जो कि अकड़ी तरह से पाँच जड़ा बहुत खौफनाक समझाए तो जब भाई कॉस्मेटिक है ना इनकी ज़रूरत नहीं लेकिन इंगड़ी वक जी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मुझी मेमन न्यूज़ डॉट कॉम जे तवसुस से आई बदे सी अपील है खुसूस जो पाँचा फिलेंथ्रोपिस्ट जरूर हाशमानी फाउंडेशन जो साथ दियो। डॉक्टर साहब हाशमानी फाउंडेशन नाम है ना, हाशमानी फाउंडेशन जो भी साथ दियो ने इन के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डोनेशंस प्रोवाइड करो ताकि जो पाँचा यंगस्टर पाँचा अड़ा बच्चा इन जो मुल्क जो सरमाया जिन्हें अग्नियाँ उन्हीं ने पाँचो मुल्क पाँचो फ्यूचर इन तो पाँचे फ्यूचर के सेव करी सकूँ। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा ई बदे गाल तो पाँची लेसिक थी ने बया कि अड़ा प्रोसीजर इन आईज ले जो कॉमन भी इन ने जिन्हें के पा ना पाँजी बेवकूफ़ी या पाँजी ना हिली की वजह से या पाँजी कोताही की वजह से पा इन नतीजे ते पुजूं ते उकरो अड़ी चीजू अचन थी आईज में जो जनरली आए नारो था ने आए डिसअपॉइंट भी थियो था जे पेशेंट अगर उते क्लियर करी के नहीं तो शायद इनकी जरूरत ना पी। अने सौथी पहलो जे आए मर्ज आ चोनो कारो पानी पाजो ग्लोकोमा जिनके जामरवा गुजराती में चोंदा ई कारो पानी जे मर्ज आए या ग्लोकोमा जो मर्ज आए ई ब्लाइंडिंग डिजीज है। अने अकड़े वक्त कारो पानी थी वो तो ये पाँच आस्ते आस्ते बदनो रहो नज़र के खेनो अचनो इनके पाचू था कि दीमक अख की दीमक है कि आस्ते नज़र को छो। अच्छा 40 इयर्स की एज में अगर नारूँ तो ये इन स्टेटिस्टिक्स बता रही थी कि दुनिया में 40 इयर्स की एज के माँ में 3% इनकी प्रिवेलेंस है कि 3% इन 100 में 3 माँ के पाँच ये बीमारी थी सके थी। तो मुझे मशवरो ये है कि पाँच जिन 35 मथे के माँ इन या जो पब्लिक थे थी इनके जरूरत है कि पोते अखियो जरूर चेक कराएं कोई भी डॉक्टर थी इलाके में हाँ पाँच घना डॉक्टर इन पुछन इनके कहीं अग जो प्रेशर केतो है नॉर्मल अग जो प्रेशर जो है 21 जो नीचे होने खबे तो ये जडा भी उन्होंने चेक कराए गए अगर 21 जो नीचे है तो दे शुड फील हैप्पी या को टेस्ट कराए गए OCT ने फील टेस्ट थे तो ये बहुत चीज़ों करें नारी गिन इनका जो रिपोर्ट ठीक इन तो नहीं को अगर इन रिपोर्ट्स ठीक इन तो हर 3 वरे ही चेक करनू खपे कुला के ये अला ना करे बीमारी थी हुई तो पछी आई ये अगर आई डायग्नोस नहीं थे तो आई अखियो आस्ते आस्ते खत्म थी सकन। डॉक्टर साहब थोड़ो सा ऐसी ऐड करे नी सा एकरो हाई ब्लड प्रेशर इनमें रोल प्ले करे तो प्रेशर वधन में या ब्यू करो डिजीज इन जो रोल जो पेशेंट के उन ने उनके खबर हुए जे ये डिजीज मुके है तो उके वधारे पोते जग जे प्रेशर के मॉनिटर करियो। अच्छा एसोसिएशन आए नी जी डायबिटीज जी भी आए ने ब्लड प्रेशर जी भी आए मायोपिया माइनस नंबर वाला चश्मे वाला भी इन पर ये जरूरी नहीं मतलब आएंगे आएंगे अगर ना भी बीमारी तो ये डोंट थिंक के आएंगे नहीं थी 40 इयर्स जो एज से पुजी आए 35 जो मथे उन्हीं ने आएंगे अगले वक्त प्रेशर चेक कराने जरूरी है अने ये बहुत टेस्ट जी आएंगे आँचो ये करना जरूरी है। अच्छा हाँ जी ट्रीटमेंट है बस ट्रीटमेंट भी हाँ दुनिया जी असा जैसे शुरू प्रैक्टिस करियो तो असा अखड़ी दवा टोप टीपा हूं हुआ जैसा इस्तेमाल कराना हाँ मल्टीपल टीपा कि मतलब अखड़ी दवा थी नहीं ठीक थी तो बो दवाइयों थी ठीक करो बो दवाइयों थी नहीं थी तो 3 दवाइयों ठीक करो ने नवी जो लेटेस्ट चीज़न में जो आए ये कि पा ये बीमारी में हाँ लेज़र थी ये बीमारी के खत्म करी सकूँ था खत्म भी करी सकूँ था या आई डिपेंडेंस ऑन ड्रॉप्स जो है जैसे 3 टीपा विझी रहा है 3 जात जहाँ तो उनके पास बो जात जहाँ टीपा करी हुई या अखड़ी जात जो टीपो थी या बिल्कुल जीरो थी वे तो ई लेज़र थी पाई करी सकूँ था। नंबर 2 ये है कि अजा मुख्तलिफ़ ऑपरेशन
જે ઓપરેશન કરીને પાન કે પાંજે એ બીમારીને ખતમ કરી શકું તો. પણ બી ક્લિયર ઇન માઇન્ડ કે જડે બી પણ ઓપરેશન કરના તો આઈનજી જેટલી નજર હલી વહી એ પાછી નહીં છે. જેટલું નુકસાન થયું એ થઈ ગયો, જે નુકસાનથી બચેલી હે જેટલો બી નજર આઈનજી એવું નજર કે પર રોકી શકું તો. પેશન્ટ જે દિમાગ મેં બધે જઈએ હોય તો કે ભાઈ ડોક્ટર સાહેબ પાછા કારો પાણી હોય તો એકદમ પરેશાન થયું કે અમારી તો નજર ચલી જાયગી. તો નજર ચલી નહીં જાયગી, નજર કે રોકી શકું તો પણ જડે આઈનજી બીમારી આપણે રોકી બની. પણ અગર આ નહીં ચેક કરાયો તો એ નજર આસ્તે આસ્તે આજે ખતમ થઈ શકે હતી. તો કારો પાણી બહુ ઓડી બીમારી હે. અંજે લાવા જે અહીં ગાલ પૂછી રહ્યા હોય તો અંજે લાવા જે બીમારી હે ઉ ડાયાબિટીસ. ડાયાબિટીસ જી વજાથી અહીંજી અહીંજી અખજી નજર હલી વળે હતી. અને અહીં કે તાજુબ બી થયું કે કરાચી પાકિસ્તાન મેં ડાયાબિટીસ જો પ્રિવેલન્સ જે આવે એ WHO 15% છે હતી. અસાં જેટલા બી કેમ્પ કરવું હતા જરા બી હું નાવું તો 25-26% લોકો કે ડાયાબિટીસ. અને એવી 4% ઇઝ ડાયાબિટિક. અને એ 4% એવરી 4% ડાયાબિટિક જો મતલબ એ કે ઉનમેથી 25% લોકો એણા હું જેની જે અખ જે પડદે મેં ખરાબી હતી નહીં. અને ઉ અખ જે પડદે જે ખરાબી આવે એ આસ્તે 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 એની કે બ્લાઇન્ડ કરી શકે હતી. તો અની કે બી ખબર ડાયાબિટિક કે એ પોતે અખ્યું હર વર ચેક કરાવીને ડૉક્ટરથી ડાયાબિટીસ અસ થઈ ગયો અને કાલે એની અખ ખરાબ થયું એડો નહીં. અહીં જો અખ કે હું કે પાંચ તકરીબન 2-12 વર બાદ જ થયો હતો. પણ પા એક્સેપ્ટ કરું હતા કે પાંખે ડાયાબિટીસ એમ બી તો 2 વર લગન હતા પાંચ. તો મને ચોનું એ કે અહીં કે અગર ડાયાબિટીસ આવે તો અખડે વખત અખ ચેક કરાવી ગયો. પછી અગર અહીં ડૉક્ટર છે તો કે અહીં જે અખ જે પડદે કોઈ ખરાબી નહીં તો આ 2-3 વર બાદ પાછા ચેક કરાયો. જ્યારે અલ્લાહ ના કરે ખરાબી આવે તો ડૉક્ટર છે તો ખરાબી આવે તો પછી ડૉક્ટર ખુદ આઈ કે ચોનો કારણે બરબાદ કર દેખાડવાનું હોય 6 મહિને ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ સિવિયરિટી. એવું કે ચોનો કે 6 મહિને બાદ દેખાડો યા 3 મહિને બાદ દેખાડો યા સાલ બાદ દેખાડો. તો એ પછી આઈ જે ડૉક્ટર પણ અકડી ગાલ કે આઈ જે શુગર કે કોઈ બી હાલતે કંટ્રોલ રખવું હોય ને શુગર કંટ્રોલ રખે જો આસાન તરીકો એ અગર અહીં ચાહ્યો હતા કે ડૉક્ટરે જા ઘડી ઘડી ચક્કર ન લગન તો આઈને રોજ તકરીબન 1/2 કલાક 1/4 કલાક વોક જરૂર કરની હે ને ડાયટ કે કંટ્રોલ કરવું હે. બહુ સારી ગાલ અકડી બીજી ચી પાંજે વટે ડાયટ કંટ્રોલ જેને પા બિલકુલ હાથ નથા રોકું ને બહુ વધારે મીઠે જો ઇસ્તેમાલ કરું તે એ જાણતે વે કે પાકે ડાયાબિટિક બી હે હું ને પા લે ઝહેર હે મીઠો. તો ડોક્ટર સાહેબ એ ગાલ બતાવી ન સાથ સાથ વોક વોક બી પણ નથા કરું. ડાયાબિટિક જે કેટલા પેશન્ટ એડા અચન તા જો ડાયાબિટીસ હું સાથ સાથ ના વોક કરન તા ના ડોક્ટર જે વિઝિટ કરન તા બલકે અલ્લાહ જે ભરોસે હલી રહ્યા હતા યા દેસી ટોટકા કરી રહ્યા હતા. સો પ્લીઝ આ પોતે જે સેહત જો ખ્યાલ રહો એટલીસ્ટ પાકિસ્તાન જે લેવલ તક તો પાગાલ ના કરું મગર મેમન કમ્યુનિટી કે હેલ્ધી કમ્યુનિટી બનાવી લે એન કે થેલેસી મિયાસી પાક કરે લે એ જે યંગસ્ટર્સ કે ચશ્મે સી પાક કરે લે પા કોશિશ કરી રહ્યા હું હર તરહ જી બીમારી સી પાક હું ને હેલ્ધી કમ્યુનિટી પાંજે સામે અચે ઈ મેમન ન્યૂઝ જો જો ખાસ ફોકસ હે. તો memonnews.com જો આજ જો ઇન્ટરવ્યૂ ડોક્ટર શરીફ હાશમાની સાહેબ જે સાથ આજ ઇન્ટરવ્યૂ મેં ઘણું લર્ન કરીએ ડોક્ટર સાહેબ ને જો ઘણું ટાઈમ બી ગીનીએ એ સિલસિલો એડા ખતમ નહીં થયે. આ એકડો બહુ વડો સબ્જેક્ટ હે ને એમ ઘણી ચીજો હોય જો પા વકફે વકફે સી ડોક્ટર સાહેબથી કોન્ટેક્ટ કરને અને ડોક્ટર સાહેબ કે ઝહેમત દીને જો અસાજે નાઝરીન જી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ઉન ટોપિક તે બી સાથ સાથ મઝીદ કોઈ રિસર્ચીસ હોય તો ડોક્ટર સાહેબથી કોન્ટેક્ટ કરને. ઇજાજત દો એડા પ્રોગ્રામ જો વાઇન્ડ અપ કરું તે આજ જો સેશન જો ઇજાજત હે. અલ્લાહ હાફિઝ. પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદ.